हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कॉटलिन में दो तरह के वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल है वेर टाइप का और दूसरा वेरिएबल है वैल टाइप का, VAL और VAR। दोनों ही में क्या क्या डिफरेंसेस हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इंटेलिजी आइडिया को ओपन कर लेता हूं क्योंकि इसी पर हमें करनी है कोडिंग। तो देखिए ये इंटेलिजी आइडिया कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ही ओपन होगा यहाँ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट चूज कर लेंगे हम फाइल पे क्लिक करके। तो ये न्यू पे आए और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लिया हमने। तो जैसे ही प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू फाइल आएगी आपके सामने कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कॉटलिन पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वेरिएबल्स। हम लोग दो तरह के देख रहे हैं तो ये मैं वेरिएबल नाम दे देता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं वेरिएबल, वेरिएबल्स कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए वेरिएबल्स के नाम से ये बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डबल क्लिक करना है ताकि हमें सोर्स फाइल दिखाई दे। अब सोर्स फाइल पे जाके राइट क्लिक करेंगे, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे न्यू आ जाएगा। यहाँ पर न्यू पे जाके कॉटलिन ही तो यूज कर रहे हैं तो कॉटलिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसे कोई नाम दे देता हूँ न्यू और फिर यहाँ पर फाइल पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फन मेन, मेन फंक्शन बनाता हूँ ये। तो इस तरीके से मेन फंक्शन बना लिया हमने, एंटर प्रेस किया, नीचे आएंगे। यहां पर पहले वैल दिखाता हूं मैं, VAL लिखते हैं वैल को और यहां पर मैं कर देता हूं A इज इक्वल टू। और यहां पर देखिए यहां पर मैं कुछ इसमें असाइन कर रहा हूं, लाइक मैं असाइन कर दे रहा हूं शुगर, ठीक है। वैसे चीनी होता है इसका हिंदी मीनिंग, तो ये शुगर असाइन कर दिया हमने। अब यहां पर इसको मैं एक बार प्रिंट करवा लेता हूं। तो यहां पर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट करवाने के लिए यहां पे प्रिंट ही लिखते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंट LL लिख देता हूं, लाइन चेंज होती रहेगी, आगे भी हमें काम करना है। तो यहां पर अच्छा डबल कोटेड कॉमा नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। A को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये A को हमने प्रिंट करवाया, यहां पर रन पे जाएंगे और यहां से रन पे क्लिक करेंगे। यहां पर इसी को रन करवाना है, न्यू नाम है इसका। तो इसको एक बार रन जब होगी ये तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर शुगर प्रिंट होकर आ जाएगा जैसे ये फाइल रन होगी। तो यहां पे देख सकते हैं शुगर प्रिंट होकर आ भी चुका है। अब क्या इसको रीअसाइन किया जा सकता है, सवाल यहीं पे उठता है क्योंकि मैंने कहा था वैल को रीअसाइन नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे लिखता हूं A इज इक्वल टू, ठीक है। और यहां पर क्या कर देता हूं ब्रेड, BREAD ब्रेड कर दिया हमने। और अब इसको रन करवा लेते हैं, एक बार देखते क्या होता है। तो इसको जब रन करवाएंगे तो ये एरर देगा, कहेगा कि इसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, यहां पे तो खुद ही बता रहा है ना। तो यहाँ पे वैल को रीअसाइन नहीं किया जा सकता, क्या वैर को रीअसाइन किया जा सकता है, आइए समझते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये जो हमने कोडिंग की इसको हटा देता हूं। अब यहां पर मैं वैर ले रहा हूं VAR, ठीक है। और यहां पर मैं लिखता हूं A वेरिएबल का नाम और यहां पर कुछ इसमें प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं, लाइक अपना नाम प्रिंट करवाता हूं। ये लिख दिया मैंने सूरज सर, ठीक है, ये लिख दिया। और यहां पर अब इसको प्रिंट करवाने की जरूरत है तो यहां पर लिखता हूं प्रिंट, PRINT प्रिंट लिखा हमने। और यहां पर किसको प्रिंट करवाना है तो डबल ट्रेड कोर्स तो लिखना ही नहीं है, ये तो भूल ही जाइए। A को प्रिंट करवाना है तो A कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पर इसी को तो हमें रन करवाना है। तो यहाँ पर जैसे ही ये रन होगा तो आपके सामने सूरज सर लिखा हुआ आ रहा है ना। अब देखिए मैं चेंज करता हूं नाम, यहां पे कर देता हूं A इज इक्वल टू, यहां पर कुछ और असाइन करते हैं इसमें, लाइक यहां पर असाइन कर देता हूं ऑरेंज, ठीक है। तो ये ऑरेंज असाइन कर दिया हमने और अब इसको यहां से रन करवा लेते हैं। तो रन करवाएंगे देखेंगे कि ऑरेंज भी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो देखिए ऑरेंज प्रिंट हो रहा है, यानी कि इसको असाइन किया जा सकता है। अगर मैं फिर यहां पर बात करूं इसको रीअसाइन करने की तो ये आप देख पाएंगे। यहां पर पहले आता हूं नीचे कुछ इस तरीके से एंटर करके और A इज इक्वल टू इस बार बनाना लिखता हूं BANANA। तो ये बनाना लिख दिया, अब देखते हैं ये रन होता है या नहीं। तो यहां पर फिर देखिए मैंने इसे रन किया और रन होने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, बनाना प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वेयर क्या है। देखिए वेयर और वैल दोनों ही कीवर्ड्स हैं जो कि वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स इनकी मदद से बनाए जाते हैं। तो देखिए वेयर नाम का वेरिएबल अगर आप बनाते हैं वेयर की मदद से बनाते हैं तो उसे रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन वेल बनाएंगे तो उसे रीअसाइन नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्स्टेंट लाइक यूज होगा, ठीक है, समझिए एक तरह से कॉन्स्टेंट की तरह से ये यूज होगा, कौन सा वेल, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।